everyone. How are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we will be covering the topic Superior Performance and Competitive Advantage from the study material. It is given on page number 1.19. In case you are new to this channel, I upload videos every day sharp at 7 p.m. and the notes which I use in the videos are given in the description box below. You can access them from there. Also, I have mentioned the link of playlists that have been uploaded till date. You can get the notes, the videos in an organized manner from the link which I have mentioned in the description box. Without wasting any time, let's start with our main topic of discussion, which is superior performance and competitive advantage. जैसे नाम से ही पता चल रहा है superior performance बोला हुआ है, मतलब superior है कि आपकी performance किससे superior है, मतलब यहाँ पर comparison की बात हो रही है. Now when I say comparison की बात हो रही है तो आप comparison किससे करोगे being an organization? आप comparison अपने competitors से करोगे तभी आप कह सकते हो ना कि आपकी performance superior है from your competitors, या फिर हो सकता है आप अपनी last year के performance को compare कर रहे हो with the current year's performance, that is also possible. There is no harm in that. But यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम अपने competitors से comparison की बात कर रहे हैं कि हमारी जो performance है organization की, that is superior to that of the competitors. मतलब हम अच्छी services, अच्छी performance दे रहे हैं in comparison to our competitors. And we are talking about the competitive advantage. What are the advantages which are more to us than our competitors? हम ये सब यहाँ पर discuss करने वाले हैं. हम दूसरों से कितना बेहतर हैं, कितने अच्छे हैं, दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर. ऑल्दो हमें ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट हाँ, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर हमें कंपेयर करना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस को, जिससे कि हम इंडस्ट्री में देख पाएँ कि हम कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहे हैं. बट वैसे हमें जो कंपेरिजन करना चाहिए खुद से ही करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट कंपेरिजन वी कैन मेक. एवरीबडी इज़ डिफरेंट, सो सबसे कंपेयर करोगे तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाओगे. इट्स बेटर कि अपने आप से ही कंपेयर करो. बट ठीक है, ये टॉपिक है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू कंपेयर आर परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स एंड हैव टू जज आर सेल्फ, और यू कैन से वी हैव टू एनालाइज वेयर वी आर स्टैंडिंग, वेदर आर परफॉर्मेंस इज सुपीरियर टू देम और नॉट. सो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर प्रॉफिट कंपनी क्या होता है, बनी होती है, तो का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर रही हो और बेटर परफॉर्म कर रही हो इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स. जिस भी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होती है वो डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करता है. क्यों? क्योंकि सिंस उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएगा, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रख पा रहा होगा. हो सकता है उसका जो मार्केट बेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो नया लॉन्च करेगा अगर कोई प्रोडक्ट, तो उसमें भी उसको काफ़ी ईज होने वाली है, बिकॉज ही हैज़ दी लार्ज मार्केट शेयर. अब आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे क्रिएट कर सकते हो या सुपीरियर परफॉर्मेंस कैसे अचीव कर सकते हो, तो वो आप कर सकते हो ईदर बाय टेकिंग द डिफरेंशिएशन एडवांटेज और द लो कॉस्ट एडवांटेज. डिफरेंशिएशन एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात बोल रहे हैं, जिसका मतलब है आपका प्रोडक्ट ऐसा है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स, एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज, इनोवेशंस वाइज, या फिर ये कहें कि कस्टमर्स के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको आप अच्छे से देते हो, रिस्पॉन्स अच्छे से देते हो टू द कस्टमर्स कंप्लेंट्स, उनको डिलीवरी अच्छे से देते हो, प्राइस बहुत अच्छा चार्ज करते हो, मतलब इट इज़ कॉम्पिटिटिव एज वेल, एंड यू आर रिड्यूसिंग देयर वेटिंग टाइम, उनको वेट नहीं करना पड़ता आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद, यू डिलीवर देम क्विकली, उनकी नीड्स को अच्छे से समझ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बना रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स ना के बराबर होते हैं. सो दीज आर समथिंग विच क्रिएट्स डिफरेंशिएशन. हर कोई इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाता, विच इज़ ऑब्वियस, एंड इसी वजह से आपका प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है. डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप कहीं कहीं पर ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हो. क्यों? क्योंकि आप सबसे बेटर हो. सबसे बेटर हो तो ऑब्वियसली बात है आप कहीं ना कहीं उस एक्स्ट्रा का या बेटर होने का कुछ ना कुछ चार्ज कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है ओवर दी अदर्स. दूसरा मैं बात करूँ तो लो कॉस्ट एडवांटेज की बात की हुई है. लो कॉस्ट एडवांटेज मतलब आप इतना मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हो बिकॉज ऑफ योर क्वालिटी इनोवेशन, तो आपकी प्रोडक्शन हो सकता है ज़्यादा हो रही हो, या आप शुरू से ही लार्ज प्रोडक्शन पर, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, या फिर आपको जो भी रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिल जाता है, आपकी लेबर आपको चीप मिल जाती है, जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट दी इनपुट्स इनटू
फिनिश प्रोडक्ट्स, वो आपको सभी कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाते हैं। तो उस केस में हो क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो डेफिनेटली यू विल चार्ज अ लिटिल लेसर, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन तो ऑब्वियसली कवर हो ही जाएगा। इस केस में क्या होगा, सस्ता प्रोडक्ट देके हर कोई अट्रैक्ट होता है अगर उसको अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है साथ में, डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट होगा, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि आप ये सब अचीव कर सकते हो। आप जब ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो जितना मैक्सिमम आप प्रोड्यूस कर सकते हो आप वो सभी प्रोड्यूस करोगे, जिससे पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम से कम आएगी। आपकी जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सस्ते आ रहे हैं, इन जो देखो इनपुट्स होते हैं ना, उसी की कॉस्ट को ऐड कर करके हम फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, फिर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। व्हेन यू हैव लेस कॉस्ट तो आप डेफिनेटली लेस प्राइस पर बेच पाओगे, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू कि आप मार्केट में ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर पाओ, राइट। लेकिन इन सब चीज़ों को करने में हो सकता है कि आपको कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो। डिसएडवांटेजेस कैसे, कि जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हो सकता है ना वो आपके कॉम्पिटिटर्स को भी थोड़े टाइम में पता ही चल जाए और वो भी उस चीज़ को अप्लाई करके अपनी कॉस्ट रिड्यूस करके अपना प्राइस कम चार्ज करने लग जाए, क्वाइट पॉसिबल। तो ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल छुपे रहने वाली बात है, हो सकता है उनको भी इस चीज़ का पता लग जाए और उस चीज़ को वो अडॉप्ट कर लें। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, रादर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा कि आप और कैसे बेटर हो सकते हो। जब आप अपने आप पर वर्क करोगे कि आप और कितना बेटर हो सकते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप ही दूसरों से आगे बढ़ जाओगे या दूसरों से बेटर बन पाओगे, रादर आई शुड से। तो इसीलिए आपको कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ द की, तभी आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाओगे। तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कस्टमर्स को वो प्रोवाइड करना पड़ेगा जो वो चाहते हैं ख़रीदने के लिए, प्लस उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड यू कैन हैव सुपीरियर परफॉर्मेंस इन द मार्केट। सो ये हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया है अबाउट दिस टॉपिक। अब एक एक करके वन बाय वन हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और फिर अगर कुछ पॉइंट ऐसा लगता है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या फिर जहाँ पर बोला जा सकता है, आई वुड डेफिनेटली स्पीक। तो अभी हम एक एक लाइन कवर कर रहे हैं फ्रॉम दी स्टडी मटीरियल। फर्स्ट, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फॉर प्रॉफिट कंपनी इज़ टू अचीव सुपीरियर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर। सो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज के लिए। अ कंपनी विच अटेन्स सुपीरियर परफॉर्मेंस गेट्स डेफिनेटिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी इज इम्प्रूव्ड विद सुपीरियर परफॉर्मेंस विच लीड्स टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। हर एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो अगर आप सुपीरियर परफॉर्मेंस अचीव कर ले तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हो जाती है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू द शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ विच इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अ फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। सो in order to survive and prosper in an industry, firms must meet two criterias. क्या क्या criterias हैं अगर आपको industry के अंदर survive करना है और prosper भी करना है। So first thing, they must supply what the customers want to buy. तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसी चीज़ें सप्लाई करनी है जो कस्टमर्स चाहते हैं ख़रीदना, क्योंकि कस्टमर्स के हिसाब से ही चलेगा। देखो, जो चीज़ अगर वो डिमांड नहीं कर रहे, आप बनाए जा रहे हो और आप इतने अच्छे से बना रहे हो, लेकिन अगर किसी को चाहिए ही नहीं तो आपके बनाने का कोई फ़ायदा है क्या? चाहे प्रोडक्ट डिफरेंट हो, चाहे प्रोडक्ट बहुत सस्ता मिल रहा हो, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है ही नहीं उस प्रोडक्ट की, तो चाहे वो कितना भी अच्छा हो, नोबडी विल बाय। तो इसीलिए आपको वो बनाना चाहिए, वो सप्लाई करना चाहिए दैट दी कस्टमर्स वॉन्ट। नेक्स्ट थिंग, दे मस्ट सर्वाइव दी कॉम्पिटिशन। देखो, हर कोई आजकल, आपको पता है, कॉम्पिटिशन इज सो हाई, कॉम्पिटिशन इन द मार्केट के अंदर, मार्केट में जो प्लेयर्स हैं दे आर सो मैनी। सो आपको कम्पीट करने के लिए अपने आप को बेटर 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 बनाना है। एवरी डे यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव यू और इन ऑर्डर टू सस्टेन, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर, यू नीड टू सर्वाइव दी कॉम्पिटिशन। A firm's overall competitive advantage derives from the difference between the value it offers to the customers and its cost of creating that customer value. So, overall competitive advantage की अगर मैं बात करूँ तो वो derive करता है, competitive advantage derive
होती है आपकी फ्रॉम द वैल्यू आप कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हो एंड उसकी क्या कॉस्ट है, मतलब आपने किस कॉस्ट पर उस वैल्यू को क्रिएट किया है एंड वो क्या वैल्यू ऑफर कर रही है कस्टमर्स को, उनके बीच का डिफरेंस ही आपकी ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है. In order to attain superior performance and attain competitive advantage, a firm must have distinctive competencies. Distinctive competencies can take any of the following two forms. Kya kya forms hain? First, an offering or differentiation advantage. If customers perceive a product or service as superior, they become more willing to pay a premium price relative to the price they will have to pay for competitive offerings. Example, customers of Apple pay higher price for its products. क्यों? Different product है. Different होता है तो आप premium price charge कर सकते हो. जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपका product ही different है, market में कोई नहीं बना रहा, कोई copy नहीं कर रहा, कर सकता, या फिर ऐसा product है which is totally unique, innovative, quality अच्छी है, तो उस case में क्या होगा, customers पैसे ज़्यादा देने के लिए भी तैयार होंगे. क्यों? क्योंकि product ही इतना अच्छा है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. तो तभी यह होता है जब कस्टमर्स एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. नेक्स्ट इज रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज अंडर विच कस्टमर्स गेन व्हेन अ कंपनीज टोटल कॉस्ट अंडरकट दोज ऑफ इट्स एवरेज कॉम्पिटिटर. एग्जाम्पल, अ कंपनी विच कैन प्रोवाइड सिमिलर प्रोडक्ट्स एट अ मच लोअर कॉस्ट, डेफिनेटली एवरी कंज्यूमर वुड लाइक टू हैव दैट प्रोडक्ट विच इज एट अ लेस which is less costly and providing the similar services and the similar utility to the customers. So यहीं पर भी वही बात लिखी हुई है. Differentiation advantage, product differentiation को भी बोला जाता है. Now यहाँ पर क्या है, high quality है, risk कम है और आपने आप products को outperform कर पा रहे हो, तो this is what is product differentiation. So आप keywords को, जैसे मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, आप keywords को highlight करते जाना और इस तरीके से topic समझो जिससे कि आप next time जब पढ़ो तो सिर्फ आपको keywords देख के वो topic recall हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार और इन videos को देख सकते हो जिससे कि आपका फटाफट से revision हो जाए. और फटाफट से revision करने के लिए आपको इसको speed में देखना पड़ेगा, because इसी speed में I don't think आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ेगी, या पड़ेगी भी तो maximum एक बार और पड़ेगी, उसके बाद आप फटाफट इसको speed increase करके revise कर सकते हो, आपको बहुत जल्दी ये वाले topics revise हो जाएंगे. So let me read about product differentiation. It occurs when customers perceive that a business unit's product offering is of higher quality, involves fewer risks, and outperforms the products offered by its competitor. In other words, customers perceive that the product or service offered by the business to be superior. For example, differentiation may include a firm's ability to deliver the goods and services in a timely manner, to produce better quality, to offer the customer a wider range of goods and services, and other factors that provide unique customer value. Product differentiation. A differentiation advantage can be achieved by adopting the following techniques. क्या क्या techniques आप लगा सकते हो जिससे कि आपको differentiation advantage मिले? तो सबसे पहला है आपके पास superior quality. The customers are offered a better quality product in the similar price range. प्राइस रेंज सेम है, क्वालिटी अच्छी है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदोगे? अगर आपको एक बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है उतने ही प्राइस में और एक कम या घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है इन दी सेम प्राइस, आप कौन सा खरीदोगे? ऑब्वियसली सुपीरियर क्वालिटी का. तो यहाँ पर भी ये लिखा है, द कस्टमर्स आर ऑफर्ड अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट इन द सिमिलर प्राइस रेंज. द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग इज सच दैट द कंपनी बिकम्स अ प्रेफर्ड चॉइस ऑफ इट्स कस्टमर्स. डिफेक्ट्स भी नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, तो ऑब्वियसली यू विल चूज दैट प्रोडक्ट. तो वही यहाँ पर बोला हुआ है. Superior innovation. The company continuously offers innovative products ahead of its competition. तो competitors से ज़्यादा पहले ही, मतलब competitors जब तक ये सोचें आप product बनाकर deliver कर दो, ऐसी बात बोल रहे हैं कि innovation इतनी quick कि जब तक वो सोच रहे हैं तब तक आपने बना के लोगों को deliver कर दिया, जिसकी वजह से आपको एक advantage मिलेगा, लोग आपसे ही purchase करेंगे क्योंकि market में ऐसा कोई product available ही नहीं है अभी तक. Superior customer responsiveness. The company produces products or provides services which are aligned with the customer's expectation. The company also focuses on overall customer service and works towards parameters like reducing the waiting time, on-time delivery, etc., etc. So ये सभी चीज़ें क्या हैं? Customer focused हैं. Customer focused होंगी तो definitely आपको benefit होगा या नहीं होगा? होगा.
Once a company has successfully differentiated its offering, management may exploit the advantage in one of the two ways, viz. Either increase the price until it just offsets the cost of improvement in the customer benefits, thus maintaining the current market share, or price below the full premium level in order to build the market share. तो आप दोनों तरीके के फॉलो कर सकते हो क्या, या तो आप प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हो जब तक कि आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो कवर नहीं हो जाता, या फिर आप प्रीमियम प्राइस मत चार्ज करो, नॉर्मल प्राइस चार्ज कर लो जिससे आप मार्केट शेयर को बिल्ड कर पाओ, कैप्चर कर पाओ. कंपनीज लाइक एप्पल चार्ज प्रीमियम प्राइसेस फ्रॉम इट्स कस्टमर्स बिकॉज द कस्टमर्स परसीव एप्पल्स प्रोडक्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. डिफरेंट चीज़ों के प्राइसेस ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज किए जा सकते हैं. यस ना, value chain analysis can identify the points at which differentiation advantage can be achieved by. मतलब आप product differentiation किस तरीके से कर सकते हो, ये आपको value chain analysis help करता है. case जैसे कि producing products which are superior to the competitors by virtue of design, know-how, performance, मतलब innovation हो गया यहाँ पर. second is offering superior after sales services by outstanding distribution, मतलब आपका distribution channel बहुत अच्छा है, आप after sales services बहुत अच्छी provide करते हो. if you remember we have covered the Potter's five forces, उसके अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, not five forces but हमने value chain पढ़ा था, value chain analysis के अंदर we studied कि हाँ उसको five forces भी बोल सकते हो. उसके अंदर हमने primary activities पढ़ी थी, पॉटर्स वैल्यू चेन एनालिसिस में हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी. प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर हमने लास्ट वाला जो पॉइंट था दैट वाज सर्विस, जिसमें हमने आफ्टर सेल सर्विस की बात करी थी. तो आफ्टर सेल सर्विसेज अगर आपके अच्छी होती हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ डिफरेंशिएशन एनालिसिस, सॉरी एडवांटेज, वही बोला हुआ है यहाँ पर भी. नेक्स्ट एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट रेंज, मतलब आप प्रोडक्ट रेंज को बढ़ा रहे हो. बढ़ाओगे कैसे, जब आप इनोवेशंस कर पा रहे होगे तभी आप बढ़ा पाओगे. या फिर सुपीरियर पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट मेकिंग ब्रांड स्ट्रेंथ. ब्रांड स्ट्रेंथ कब बनती है, जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, लोग ब्रांड लॉयल्टी फॉलो करते हैं अगर उनको प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिलती है. माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं अगर उनको ब्रांड से सेटिस्फैक्शन मिलती है. सो आप अपनी ब्रांड की इतनी स्ट्रेंथ बना लो कि कोई भी सब्स्टिट्यूट भी आ जाए ना तो आपके प्रोडक्ट को ना हिला पाए. क्यों? क्योंकि आपकी ब्रांड लॉयल्टी इतनी है, कस्टमर लॉयल्टी इतनी है, आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग इतनी अच्छी आती है, लोग अपने आप ही उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. दे फील सो, मतलब उनकी लाइकिंग इतनी बढ़ जाती है टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दी पैकेजिंग. इतनी अच्छी तरीके से आप पैक करके देते हो कि डैमेज होने के चांसेस बाय प्रोडक्ट विच इज़ क्विक इन डिलीवरी, बेटर इन डिलीवरी एंड पैकेजिंग इज सुपर्ब. सो ये सारे आपके कुछ एक कह सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को क्रिएट करने के तरीके हैं जिससे कि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट बन सकता है. नेक्स्ट इज़ दी लो कॉस्ट एडवांटेज, जिसको हम कॉस्ट लीडरशिप के नाम से भी जानते हैं. अ फर्म इंजॉयज अ रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज इफ इट्स टोटल कॉस्ट आर लोअर दैन दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स. ऑब्वियसली बात है, सस्ता प्रोडक्ट किसको पसंद नहीं आता. अगर क्वालिटी अच्छी मिल रही है, प्राइस कम है, तो डेफिनेटली यू विल चूज अ प्रोडक्ट विच इज़ ऑफ less price. So a firm enjoys the relative cost advantage if its total costs are lower than those of its competitors. This relative cost advantage enables a business to do one of the following. Ya to aap लो प्राइस चार्ज कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स से जिससे कि आपको मार्केट शेयर कैप्चर हो पाए, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो अभी भी मेंटेन हो पा रही है, बस आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है. या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के हिसाब से ही प्राइस चार्ज करो जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए. तो आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो. या तो आपका फोकस हो सकता है टू इंक्रीज दी मार्केट शेयर, या फिर आपका फोकस हो सकता है टू इंक्रीज दी प्रॉफिटेबिलिटी. डिपेंडिंग ऑन योर फोकस आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्राइस ज़्यादा चार्ज करना है, या फिर मैं कह सकती हूँ सेम चार्ज करना है, सिमिलर चार्ज करना है, या फिर कम चार्ज करना है. ओके, नाउ अ कंपनी मस्ट चूज अ स्ट्रेटजी इन विच इट कैन लोअर इट्स कॉस्ट एंड देयर बाय गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. मेनी सोर्सेज ऑफ कॉस्ट एडवांटेज एग्जिस्ट. एक्सेस टू लो कॉस्ट रॉ मटीरियल्स, इनोवेटिव प्रोसेस टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और कस्टमर्स,
एंड सुपीरियर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, ये सारे एक तरीके से सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से आपको कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है। अगर इनका प्राइसेस आपको कम पे मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आपका प्राइस टोटल कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कम होगी तो आप प्राइस कम भी चार्ज करके मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हो या फिर प्राइस कॉम्पिटिटिव चार्ज करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। A company might also gain a relative cost advantage by exploiting the economies of scale in some markets. ज़्यादा से ज़्यादा produce करके ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हो क्योंकि market share आपका अच्छे से capture हो पाएगा। Example: A refinery which has superior technology can process low grade crude to produce oil. Since low grade crude is cheaper than what the competitors pay for high crude or high grade crude, the company might be in a position to charge lower price and gain the additional market share or charge the higher price and earn the better profits. So वही example आपकी जो organization है वो एक ऐसी technology use करती है जिसके अंदर आप जो low grade crude है उससे oil बनाओगे तो वो बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम normally देखें, normally आपको high grade crude चाहिए होता है जिससे आप oil को बना सकते हो, मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है या तो आप सस्ता रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हो या फिर महंगे से बना सकते हो। महंगे से आपको बनाना पड़ेगा इन द नॉर्मल कोर्स, लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है आप तो सस्ते वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हो इन द सेम फिनिश प्रोडक्ट। सो ऑब्वियसली बात है जब आप सस्ते रॉ मटेरियल से कन्वर्ट कर पा रहे होगे तो देयर विल बी अ लेस कॉस्ट होगी जिसकी वजह से प्राइस या तो आप कम चार्ज करके मार्केट शेयर कैप्चर कर पाओगे या फिर आप सिमिलर या हायर प्राइस चार्ज करके प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर पाओगे। सो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ओवरऑल कॉस्ट में डिक्लाइन लेकर आना है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट अगर आपकी ज़्यादा हो रही है इवन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली यू रिड्यूस द प्राइसेस बिकॉज यू आर नॉट having reduced cost, तो आपको cost को overall decrease करने की कोशिश करनी है। A disadvantage of this strategy is that competitors might find way to lower their costs as well. जैसे आपको तरीका मिला है ऐसे उनको भी तरीका मिल सकता है, क्योंकि एक बारी market में कोई चीज़ आ जाती है तो secrets पता ही चल जाते हैं। इसीलिए hence a company which pursues a cost leadership strategy must continuously improve its cost structure. Another risk associated with cost leadership strategy is that managers might try to lower cost by compromising the quality of products. Important line. Cost कम करने के चक्कर में कई बार होता है quality से compromise कर लेते हैं, which is not good. Quality अच्छी नहीं है, price कम है तो फिर भी कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा price extra pay करके अच्छी quality मिल रही है तो why not? Everybody will look for a better quality, even if they have to pay a little extra. करना अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने लग गए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए बोला है कि कई बार कॉस्ट कम करने के चक्कर में हम क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, विच इज़ नॉट राइट। नेक्स्ट, वैल्यू चेन एनालिसिस इज सेंट्रल टू आइडेंटिफाइंग वेयर कॉस्ट सेविंग्स कैन बी मेड एट वेरियस स्टेजेस इन दी वैल्यू चेन। तो इस वैल्यू चेन एनालिसिस की मदद से आप ये एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर कॉस्ट को कम किया जा सकता है। वैल्यू चेन एनालिसिस कैन आइडेंटिफाई द पॉइंट्स एट विच लो कॉस्ट एडवांटेज कैन बी अचीव्ड। रिड्यूस द कॉस्ट बाय कॉपिंग रादर दैन क्रिएटिंग डिजाइंस यूजिंग चीपर मटीरियल्स एंड अदर चीपर रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग द लेबर कॉस्ट इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ये तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप लो कॉस्ट अचीव कर सकते हो। Attaining the economies of scale by high volume sales. आपकी sales की जो volume है मतलब quantity ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से आप economies of scales achieve कर पा रहे हो, जिसकी वजह से definitely आपकी cost भी कम हो जाएगी per unit. Using high volume purchasing to get the discounts for bulk purchase. Raw materials सस्ता कब मिल सकता है? जब आपके suppliers को आप ensure करो कि आप bulk में product produce करो, bulk में inputs purchase करोगे तो definitely you will be in a position to bargain more. आपको याद होगा bargaining power of buyers हमने पढ़ा था, factors determining the profitability or influencing the profitability, industry value chain analysis, Porter's, याद है? Yes, Porter's value chain analysis के लिए हमने पढ़ा था कि अगर आपको परचेज करना है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कब ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ज़्यादा परचेज करते हैं, बल्क परचेज करते हैं तो दे गेट दी डिस्काउंट्स।
locating in areas where cost advantage exists or government support is possible. आप वहाँ पर अपनी सेटअप लगा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, फैक्ट्रीज लगा रहे हो, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, ग्रांट्स, तो इस केस में भी डेफिनेटली यू विल गेट अ बेनिफिट. तो वहाँ पर लोकेट करने से भी आपकी कॉस्ट एडवांटेज मिल सकता है, या फिर आप गेन कर रहे हो लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर्व की वजह से, क्योंकि आपने पढ़ा है जैसे सम्स भी किए होंगे, जब भी आप लर्निंग कर्व के क्वेश्चंस करते हो तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपकी जो कॉस्ट है वो सेम हो जाती है, लेकिन इन द बिगनिंग वो कम होती रहती है बिकॉज आप एक्सपीरियंस गेन करते रहते हो. एंड व्हेन यू गेन एक्सपीरियंस, व्हेन यू लर्न, आप जैसे हमारे रिविजन में फॉलो होता है, हम जितनी रिविजन्स करेंगे उतना ज़्यादा हमें रिटेन हो पाएगा, याद रहेगा, उतने हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे. सिमिलरली जितना आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतनी ही आपकी लर्निंग होती है, लेकिन हाँ एक लिमिटेड टाइम के वही रहेगा क्योंकि उतना तो मिनिमम रिक्वायर्ड ही है. तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, इसकी मदद से आप कर सकते हो. तो कैसे कैसे कर सकते हो, आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हो, आप खुद से इनोवेशन ना करके दूसरों को कॉपी करके कर सकते हो, मटेरियल्स चीप बाय करके कर सकते हो, लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवा के कर सकते हो, या फिर अपनी लेबर कॉस्ट कम कर सकते हो बाय इंट्रोड्यूसिंग दी टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप क्या कर सकते हो, हाई वॉल्यूम सेल्स की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हो, आप ज़्यादा इनपुट्स परचेज कर सकते हो बल्क में जिससे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएं, आप ऐसी जगह अपना सेटअप लगा सकते हो जहाँ पर आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल पाए, या फिर आप अपने एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग कर्व के बेनिफिट्स को भी अवेल कर सकते हो बाय प्रोड्यूसिंग मोर. द कंपनी मस्ट लुक एट इट्स वैल्यू चेन विच कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट्स फंक्शंस, जैसे कि प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मटीरियल्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिससे कि आप क्या कर पाओ, डिटरमिन और इंक्रीजिंग द कस्टमर्स परसीव्ड यूटिलिटी थ्रू डिफ्रेंसिएशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विस. सो वैल्यू चेन आपको बहुत हेल्प करता है जिससे कि आपको पता लगे कि एक्चुअल में कहाँ पर वैल्यू एडिशंस हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, कहाँ कहाँ पर आप कॉस्ट को कम करने का सोच सकते हो, कहाँ पर स्कोप है, कहाँ पर नहीं है. सो ये सब आपका पॉसिबल कब हो पाता है, जब आपने वैल्यू चेन किया हो. तो वैल्यू चेन का बहुत बड़ा रोल होता है इन डिटर्मिनिंग वेदर यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट और नॉट. और आई शुड से आपका तब भी हेल्प करता है जब आपको डिफ्रेंसिएशन एडवांटेज भी अप्लाई करवाना है, आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाना चाहते हो. इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो वैल्यू चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वैल्यू चेन एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डूइंग दीज टू थिंग्स. सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आई एम श्योर आपको याद भी हो गया होगा. बहुत ही ईजी सा टॉपिक था, बट हाँ पता होना चाहिए किस तरीके से क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे आप डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, किस तरीके से आप लो कॉस्ट एडवांटेज ले सकते हो. तो ये दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए कि आप वैल्यू चेन से किस तरीके से कर सकते हो. तो बेसिकली जो इसमें दो बॉक्स थे ये आपको पता होना चाहिए. अगर ये याद हो गया ना तो आपको पूरा टॉपिक रिटेन रहेगा, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उससे आपको बाकी के टॉपिक्स भी रिकॉल हो जाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार इन बॉक्स को एक बार फिर से रीड कर लेना, आपको ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. I hope you like this video. If you did, please give it a big thumbs up. क्योंकि लाइक करते हैं ना तो पता चलता है कि हाँ आपको एक्चुअल में पसंद आया या नहीं आया. अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक रिक्वेस्ट हैं किसी भी चैप्टर से, किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं. और ये जितना हो सके और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी भी नहीं किया है, तो आपको ऐसे वीडियोस हर रोज़ मिलते रहेंगे और आपकी रिविजन ईजी होती रहेगी. एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी साइड से कि मैं इनको और बेटर 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 बना सकूँ और आपको अच्छी तरह से हेल्प कर पाऊँ. ठीक है, सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपकी लाइकिंग्स, डिसलाइक्स, लाइक्स डिसलाइक्स जो भी हैं रिगार्डिंग द वीडियोस. और कोई भी सजेशंस है तो प्लीज़ यू कैन गिव देम. आपको अच्छी लग रही है तो भी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके. और या दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड आई विल बी बैक. बाय बाय.